तुम ये बात इतना रिलैक्स मूड में बता रही हो मुझे। तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए मुझे? तो मना कर देती उसे, वैसे सारे जमाने से लड़ती रहती हो, शहरोज के मुंह पे इनकार नहीं हुआ तुमसे? मैं उसे ऑलरेडी मना कर चुकी हूँ। फिर क्या बात है, क्या बात करनी थी आपको? हम जब से यहाँ आए हैं आप यूं ही खामोश खड़े हैं। तुम अच्छी तरह जानती हो मेरी क्या परेशानी है और मैं तुमसे क्या बात करना चाहती हूँ। मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? वो आपसे बात करते हुए हाथ से गिरा और टूट गया। फूफो से इनकार की वजह पूछो। जी वो मामा मुझे ऐसे लोगों में भेजना नहीं चाहती जहां मेरी कदर ना हो। लेकिन वो तो पुरानी बात है ना, मामा बाबा सब लोग राजी हैं, तो उनको क्या प्रॉब्लम है इस रिश्ते से? मुझे नहीं पता, इस बात का जवाब नहीं है मेरे पास। ठीक है, फूफो ने तो अपना फैसला सुना दिया, पर तुम्हारा क्या फैसला? मैंने अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। कब सोचोगी? जब पप्पा तुम्हारे लिए किसी और को पसंद कर लेंगी। एक्चुअली मामा ने मेरे लिए किसी और को पसंद कर लिया है, यहाँ तक के तकरीबन बात भी पक्की हो चुकी है। कब? किससे? वो शहरोज। What? Are you serious? तो पप्पू ने मेरी बजाय शहरोज को पसंद किया है क्योंकि वो मुझसे स्टेटस में कई ज्यादा है, और तुम ये बात इतना रिलैक्स मूड में बता रही हो मुझे। तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए मुझे? तो मना कर देती उसे, वैसे सारे जमाने से लड़ती रहती हो, शहरोज के मुंह पे इनकार नहीं हुआ तुमसे? मैं उसे ऑलरेडी मना कर चुकी हूँ। फिर मसला ये है कि शहरोज ने साफ कह दिया कि वो ये शादी जरूर करेगा क्योंकि क्योंकि आंटी ऐसा चाहती हैं। यार मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुफियान प्लीज आप ऐसे तो रिएक्ट मत करें, आपको ऐसे देखकर मुझे स्ट्रेस हो रहा है। इतना कुछ होता रहा और तुमने मुझे इन्फॉर्म करना भी जरूरी नहीं समझा? सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ कि मुझे आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। मौका नहीं मिला या इसलिए मेरी कॉल नहीं पिक कर रही थी तुम? शायद क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपको ये सब बताऊंगी कैसे। पप्पू इस हद तक बदल जाएंगी मुझे उम्मीद नहीं थी, उन्होंने खूनी रिश्तों पे दौलत को फक किया था। इसमें मामा का कोई कसूर नहीं है, माजी में आपके घर पे हमारे साथ जो कुछ भी हुआ बस मामा वो सब भुला नहीं पा रही हैं। तो मैंने उनसे कहा था ना कि मैं तुम्हें अलग घर लेके दूंगा, अलग रखूंगा सबसे, तो फिर क्या प्रॉब्लम थी? पता नहीं। तुम मुझे एक बात तो बताओ, तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो या मैं अकेला ही तुम्हारे पीछे पागल हो रहा हूँ? देखिए सुफियान, मैंने आज तक मामा के किसी भी फैसले से इनकार नहीं किया, लेकिन उनका ये फैसला मुझे भी मंजूर नहीं है। मैं उन्हें जवाब नहीं दे सकती, लेकिन अगर आप मामा को मना सकते हैं ना तो आप उन्हें मना लें। चलो दिल को ये तो तसल्ली हुई कि अगर फूफो मान गई तो तुम मेरा साथ दोगे। हाँ लेकिन मामा मानेंगी नहीं। डराओ तो मत यार, वो मान जाएंगी, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मना लूंगा मैं उन्हें।
Let's see. अब आप मुझे घर छोड़ दें, काफी देर हो गई है, मामा परेशान हो जाएंगी। ड्राइवर बता देगा तुम मेरे साथ। फिर भी काफी देर हो गई है। बस चलते हैं थोड़ी देर, पहले कुछ खा लेते। नहीं, मुझे भूख नहीं है। मुझे तो अब लगी है। तुमसे मिलके, तुमसे बात करके थोड़ा रिलैक्स हो तो भूख का एहसास हुआ, वरना तो ना नींद आ रही थी ना भूख लग रही थी। आप कब से ये मजनू वाले डायलॉग्स बोलने लगे? तुम्हारे लिए किसी मजनू से कम थोड़ी। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.